पाकिस्तान की एक अदालत ने 6 साल की बच्ची जैनब अंसारी के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में अभियुक्त इमरान अली को 4 बार मौत की सजा देने का फैसला सुनाया है। इमरान अली को अपहरण, बलात्कार, हत्या, चरमपंथ के 4 मामलों में मौत की सजा और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के मामले में उम्र कैद सुनाई गई है। पंजाब प्रांत के प्रोसिक्यूटर जनरल एहतिशाम कादिर ने बताया, उनको अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के मामले में उम्र कैद के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया, बच्ची के शव को कूड़े के ढेर में छिपाने के लिए कोर्ट ने 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी साल 4 जनवरी को कुरान की क्लास के लिए जाते हुए जैनब अंसारी कसूर से गायब हो गई थी। जैनब को आखिरी बार एक सीसीटीवी फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति का हाथ पकड़कर जाते हुए देखा गया। कुछ दिनों बाद उसका शव एक कचरे के ढेर में मिला। इसके बाद पाकिस्तान के कई शहरों में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई जगहों पर हिंसा हुई। हिंसा में 2 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। इस मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी न होने के कारण पुलिस और अभियोजन पक्ष को जांच के लिए वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लेना पड़ा। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।